हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर एंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट है माइनर सेगमेंट, सेकेंड मेजर सेक्टर। तो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। इस पाई अपन जी 3.14 यूज करनी है। एक चक्कर जिहदा अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर है तो वो समकोण बनाउंदा केंद्र ते, जिहड़ा एंगल है वो अपना संगत लघु चक्करखंड ते दीर्घ अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल पता करना। 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक चक्कर की कोई जीवा केंद्र ते एक समकोण बनाउंदी है, हेठ दित्तियां दा खेत्रफल पता करो। संगत लघु चक्करखंड, संगत दीर्घ अर्धव्यासी खंड, पाई इक्वल 3.14। तो पहला आपां डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर, चक्कर का अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ इतने मैं, थीटा कोण है यह 90 डिग्री। फर्स्ट फाइंड करना माइनर सेगमेंट, पंजाबी च हैगा संगत लघु चक्करखंड। तो माइनर सेगमेंट फाइंड करने लिए आपां की करना, पहले तो एरिया ऑफ सैक्टर फाइंड करना, फिर उहदे विचों राइट ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना। इहदे च ये राइट ट्राइंगल बनूगी क्योंकि 90 डिग्री एंगल आ, तो बेस 10 सेंटीमीटर तो ये परपेंडिकुलर भी 10 सेंटीमीटर क्योंकि ये बेस बनता तो वाला रेडियस परपेंडिकुलर बनता। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। लघु चक्करखंड का क्षेत्रफल अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल। फार्मूला लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1.2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। थीटा हैगा 90 डिग्री, 360 पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2, परपेंडिकुलर भी 10 ते बेस भी 10। ठीक है, हुण आपां पॉइंट रिमूव कर लेंगे। थ्री पॉइंट वन फोर सीगा, पॉइंट रिमूव किया 100, 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2, 10 मल्टीप्लाई 10। कटिंग करांगे ये दोवें जीरो, ये 2 जीरो ना कटिंग हो जाए, ये जीरो ना कटिंग। 9 1 का 9 4 का, 2 2 का 157, 2 5 का 10, मल्टीप्लाई करांगे
157 है अपॉन 2 माइनस 10 नू 5 ना मल्टीप्लाई किया 50 एलसीएम लेके माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाऊ क्योंकि 2 ते बंदा एलसीएम 2 आऊगा क्रॉस मल्टीप्लाई 250 100 माइनस करेंगे 57 ओवर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ते चाहे तो तुसी इनू पॉइंटां च भी लिख सकदे हो डेसिमल च लिखदे हां ये भी लिख दोगे तां भी ठीक है ते डेसिमल च लिख दो तां तां ठीक है ते ए वाले क्वेश्चन च आपां दो आंसर फाइंड करने सीगे सेकंड पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल फार्मूला सेम तो आप इतने वैल्यू पुट की हुई है तो इन सॉल्व करके आंसर आ जाऊगा 90 ओवर 360 चाहे तो इसी द्वारा सॉल्व भी कर सकते हो 3.14 मैं इतने 100 लाता है रेडियस 2 टाइम लिखना 10 मल्टीप्लाई 10 कटिंग वन फिफ्टी सैवन ओवर टू टू से डिवाइड करांगे सेंटीमीटर स्केयर 78.5 सेंटीमीटर स्केयर फिफ्थ क्वेश्चन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड तीन पॉइंट ने दे फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सेकेंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मड बाई आर्क थर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मड बाई द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड डायग्राम ड्रॉ कर दें एक तो माइनर आर्क फाइंड करनी है कोरसपोंडिंग आर्क मतलब कि जेड़ा ही एंगल बनता है ना वो सामने जी आर्क है यदि कोरसपोंडिंग आर्क होगा कोरसपोंडिंग माइनर सैगमेंट तो ये सारा होगा कोरसपोंडिंग माइनर सैक्टर तो आप तीन आंसर फाइंड करने हैं पंजाबी मीडियम अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर वाले चक्कर का एक चाप केंद्र से 60 डिग्री कोण बनाता है पता करो फर्स्ट चाप की लंबाई सैकेंड चाप द्वारा बनाए गए अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल थर्ड संगत जीवा द्वारा बनाए गए चक्कर खंड का खेत्रफल तो फर्स्ट करते हैं आप पॉइंट पहला आप लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर चक्कर का अर्धव्यास सेम 21 थीटा थीटा होता कोण 60 डिग्री फर्स्ट पॉइंट लेंथ ऑफ आर्क पंजाबी मीडियम चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 टू पाई आर तो सेम होगा भी लेंथ की आर्क फाइंड करनी है क्योंकि सर्कल के पैरीमीटर चो आती है यह तो आप लाना थीटा अपॉन 360 टू पाई आर पाई की वैल्यू ये गिवन नहीं हैगी 60 अपॉन 360 टू 22 ओवर 7 रेडियस 21 कटिंग करांगे 0 नाल 0 6 वन द 6 6 द 36 7 3 द 21 3 वन द 3 2 द 6 2 वन द 2 तो सारा सॉल्व करके कला कितना रह गया 22 सेंटीमीटर ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया सेकंड पॉइंट आप लिख दिया पहला की है
सेकेंड पॉइंट है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पंजाबी मीडियम अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 60 ओवर 360 22 ओवर 7 21 मल्टीप्लाई 21 कटिंग करेंगे 0 नाल 0 6 1 दा 6 6 6 दा 36 7 3 दा 21 3 1 दा 3 2 दा 6 2 1 दा 2 11 11 ते 21 रह गया 11 मल्टीप्लाई 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट हैगा एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सैगमेंट, सैगमेंट का एरिया फाइंड करना, ये सारा सैक्टर सेगा तो हूँ आप सिर्फ सैगमेंट ये इन्ना फाइंड करना ये वाला, ठीक है। तो यदा एरिया की होगा सैक्टर के एरिया चो ये जी ट्राइंगल है यदा एरिया माइनस करना, एरिया ऑफ सैगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, चक्कर खंड का क्षेत्रफल, अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल माइनस समभुजी त्रिकोण का क्षेत्रफल। हुण इह समभुजी क्यों बननी है मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी कि जदों वी इत्थे 60 डिग्री एंगल होगा तो यह इक्विलेटरल ट्राइंगल बनूगी। देखो ये दोवें साइड तो पहले ही इक्वल है ने, जे इक्वल ने तो यह दोवें एंगल भी इक्वल हो गए। आप दोवें एंगल एड कर लिए एक्स, एक्स प्लस 60 इक्वल हो गया 180, प्लस करके बन गया 2x, 180 माइनस 60 2x बन गया 120, x आ गया 120 ओवर 2 60 डिग्री, मीनस आवले एंगल भी 60 डिग्री हो गया। हुण ईच एंगल 60 डिग्री है तो ईच साइड भी की होगी इक्वल, थ्री एंगल्स इक्वल दैन थ्री साइड्स आर इक्वल। हुण तुहानूं ये भी पता लग गया होना है कि ये जिहड़ा आपां लिखिया है, ठीक है, भी 60 डिग्री क्यों है तो ही इक्विलेटरल क्यों है। अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल आपां इहदे च कीते ही होया तो आपां सीधा आंसर लिख लैने 231 माइनस 1/2 सॉरी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे रूट 3/4 ए स्केयर। हुण इहदे च ए स्केयर कितना लिखना आपां 21 क्योंकि इहदी ईच साइड 21 होगी। ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन। देखो जे तो कटिंग होंगी तो तुम कटिंग कर देनी, हूँ इतने कटिंग हो नहीं रही तो बस यही आंसर आ जाना है 231 माइनस 21 20 ना करा 441 ओवर 4 रूट 3 तो यदा एलसीएम लैके माइनस नहीं होना क्योंकि इतने रूट के इतने रूट तो बिना देता हुआ तो यही आंसर आजगा सेंटीमीटर।
बस ज़्यादातर इन्हें जो दो ही ट्राइंगल ने, एक 60 डिग्री वाली जे एंगल 60 डिग्री है तो एक जे एंगल 90 डिग्री है। 60 डिग्री आप हूँ कर लिया, 90 डिग्री तो पिछले क्वेश्चन के। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सैगमेंट। हुण माइनर ते मेजर दोवें सैगमेंट का एरिया फाइंड करना। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 ते रूट 3 की वैल्यू भी गिवन है 1.73। पंजाबी मीडियम, 15 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक चक्कर की एक जीवा केंद्र ते 60 डिग्री का कोण बनाती है, संगत लघु और दीर्घ चक्कर खंडा के खेत्रफल पता करो। पाई दिती हुई है 3.14 ते रूट 3 की वैल्यू दिती हुई है 1.73। तो सेम ने सारे क्वेश्चन, डायग्राम सेम होगी। फिफ्थ क्वेश्चन नाल दी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड भी 15 सेंटीमीटर होनी है। एक तो माइनर सैगमेंट ये फाइंड करना, ठीक है, एक मेजर सैगमेंट ये सारा फाइंड करना। सैगमेंट का एरिया फाइंड करना, ना कि ये सैक्टर का एरिया फाइंड करना, पर सैगमेंट का एरिया फाइंड करने भी अपन सैक्टर का एरिया फाइंड करना पैंदा। रेडियस ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर, चक्कर का अर्धव्यास थीटा 60 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल, इतने लिखा नहीं जाना, मैं इतने एक लाइन च लिख दूंगी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्यूलेटरल ट्राइंगल। इक्यूलेटरल मैं पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट दे विच लिखता। पंजाबी मीडियम, लघु चक्कर खंड का क्षेत्रफल, लघु अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल माइनस समभुजी त्रिकोण का क्षेत्रफल। हुण फार्मूला लिखांगे, तो सैक्टर का फार्मूला सेम है, थीटा पॉन 360 पाई आर स्केयर माइनस इक्यूलेटर ट्राइंगल है रूट 3/4 ए स्केयर। थीटा वैल्यू 360, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस रूट 3/4 साइड, जिन्हें रेडियस है वो ए दी वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई 15। पॉइंट रिमूव कर लेंगे, सिक्सटी ओवर 3.14 पॉइंट किया रिमूव, 100 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 1/2 सॉरी 3 की वैल्यू दी हुई है 1.72/4 मल्टीप्लाई 15। यदि वैल्यू 1.73 है गया। कटिंग करांगे, 6 1 6 6 36, 2 ते कटिंग कर देने, 2 3 दा 1 5 7, 3 1 दा 3 5। ये मैं 4 नहीं कटिंग किया, यदा पॉइंट रिमूव करते हैं तो इन सारे की कैलकुलेशन करते हैं। 157 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 ओवर 100
माइनस 1734 मल्टीप्लाई 100 ये पॉइंट रिमूव करांगे 15 नू 15 दे मल्टीप्लाई कीता 225 है ना सारे दी कैलकुलेशन करांगे ये मल्टीप्लाई करके आ जूगा 11775 ओवर 100 माइनस 173 नू 225 दे मल्टीप्लाई करांगे ये आऊगा 38925 ऑन 400 इन्हें 400 से डिवाइड करांगे ये डेसिमल ला लेंगे इधर डेसिमल लवेंगे 117.75 माइनस जो इन्हें 4 ना डिवाइड करांगे ना तो ये आ जाएगा 97.3125 हुण इहदे चों ये करांगे माइनस इत्थे लिख के माइनस कर देनी हां मैं इतने पॉइंट तो पिछों टू डिजिट है इतने फोर ने तो इतने जीरो ला लेंगे फाइव इतने रह गए नाइन टू गए सैवन फोर चो बन गए थ्री सिक्स चो थ्री गए सॉरी सैवन चो थ्री गए फोर सैवन चो सैवन जीरो इलेवन चो नाइन गए टू तो आ जाएगा 204375 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर माइनर सैगमेंट हुण आपां करना मेजर सैगमेंट ये सारा ठीक है हुण मेजर सैगमेंट का एरिया करना सर्कल के एरिया चो ये जिहड़ा माइनर सैगमेंट है इहनू माइनस करना सैकेंड पॉइंट एरिया ऑफ मेजर सैगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पंजाबी मीडियम एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट पंजाबी दीर्घ चक्कर खंड दा क्षेत्रफल इक्वल चक्कर का खेत्रफल माइनस लघु चक्कर खंड का खेत्रफल सर्कल का एरिया फाइंड करांगे तो माइनर तो अपने इतने फाइंड किए हुए हैं इनू सर्कल एरिया चो माइनस कर देना एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लवेंगे पाई आर स्केयर तो यह सीधा आंसर लिख लेना लघु चक्कर खंड का 20.4375 क्योंकि ये जिहड़ा आंसर कढ़िया ना ये बहुत लेंथी हो जाना इसलिए जिहड़ा आपां इत्थे आंसर कढ लिया फस्ट दे विच उही इत्थे सीधा माइनस कर देना पाई दी वैल्यू 3.14 रेडियस 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 20.4375 इन मल्टीप्लाई करांगे ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਜੂਗਾ 706.50 ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 686.0625 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 706.50 20.4375 ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੂ ਡਿਜ਼ਿਟ ਨੇ 20 ਲਾ ਲਾਂਗੇ 10 चो 5 गए 5 इतने रहन गए 9 चो 7 गए 2 इतने 9 रहन गए 9 चो 3 गए 6 इतने रहन गए 4 चो 4 गए 0 6 10 चो 2 गए 8 इतने रह जाएगा 6 तो आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऐसे सिक्स क्वेश्चन लेंथी है ने तो एक क्वेश्चन इन्हों आता ही है 12.123 के ठीक है तो चंगी तरह करने हैं